द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए उनकी विजय के बारे में बताया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना 25 जुलाई को उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला हैं। कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, राष्ट्रपति के कर्तव्य क्या क्या होते हैं और उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धीर टीवी। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। सबसे पहला सवाल कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता और उम्र क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए और निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। दूसरा सवाल कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रहे कि विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा के नामांकित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्यों के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है और विधानसभा के सदस्यों का अलग होता है। ये राज्य के जनसंख्या के आधार पर तय होता है। तीसरा सवाल कि चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें प्रावधान ये है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अपनाया जाएगा। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, उसके बाद फिर दूसरी पसंद, उसके बाद फिर तीसरी पसंद। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। बात राष्ट्रपति के कामों की करें तो राष्ट्रपति का मूल कर्तव्य संघ की कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करना है। पूरी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। राष्ट्रपति इनका प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान का संरक्षण करना है। कोई भी अधिनियम उसकी मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता। वो मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। फौज के प्रमुखों की नियुक्ति भी वो करते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त होती है, हालांकि इसका उपयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। चौथा सवाल कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य को 14 दिन का नोटिस देना होता है। इस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, फिर सदन उस पर विचार करता है। अगर 2/3 सदस्यों की सहमति से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और उसके बाद 2/3 समर्थन से वो भी पास कर देता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा। कार्यक्रम के अंत में नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी जान लेते हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वे भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 1997 में श्रीमती मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुईं और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गईं। उन्होंने 2002 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रहीं। वे राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थीं।